मेरी तरह आपके भी मन में एक क्वेश्चन आता होगा, राम या कृष्ण? क्वेश्चन आना नेचुरल है, यह ह्यूमन नेचर है। प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ हम अपने डाउट क्लियर नहीं करते, राइट? आपकी तरह मैं भी आस्तिक हूँ और मेरा डाउट क्लियर है। सबसे पहली बात, लॉर्ड रामा या फिर कृष्ण, दोनों लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं। इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इनमें कोई बड़ा और छोटा नहीं है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सबसे पहले लॉर्ड रामा, वो एक ऐसे कैरेक्टर में आए जो अपने पारिवारिक समस्याओं को सोल्व करते हुए सारे रिलेशनशिप को आइडियल की तरह निभाए। पुत्र का हो, पति का हो, भाई का हो या फिर मित्र का हो, एक पतिवर्ता नारी के लिए पत्नीवर्ता पति बन के दिखाए, इसलिए तो वो पुरुषोत्तम राजा राम है। बात करते हैं कृष्ण का, तो कृष्ण चंचल है, निश्चल है, सरल है और कठोर भी है। कृष्ण को समझने के लिए राम की सरलता को समझना होगा। कृष्ण हमें समाज की बुराइयों से लड़ना सिखाए, साथ में उन्होंने त्याग के साथ प्रेम को जीतना भी सिखाए और युद्ध ना करते हुए युद्ध की रणनीति बनाई और युद्ध में जीतना सिखाए। तो क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि राम या कृष्ण, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, क्योंकि हमारे लॉर्ड ने हर वो सिचुएशन को प्रैक्टिकली जी के दिखाए हैं और हमें उस सिचुएशन को पकड़ के उनके आइडियोलॉजी को अपना लेना है और सक्सेस हो जाना है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। इससे इतना समझा जा सकता है कि अगर कृष्ण को पाना है तो उससे पहले राम की सरलता को समझना होगा, राम मैं होना पड़ेगा, तब आप कृष्ण को आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि कृष्ण विश्व गुरु हैं। हमारी तो यही समझ है, तो इन दोनों में कोई बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैं इस छोटी सी वीडियो में सारे को कवर नहीं कर सकती हूँ। हमारी समस्या एक जैसी नहीं होती है, हमारी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। अगर इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास करोड़ों तरह की समस्याएं हैं, करोड़ों तरह की सिचुएशन है, तो हमारे पास करोड़ों तरह की आइडियोलॉजी है और उसमें वो सक्सेस हो के दिखाएं। कोटि की प्रॉब्लम है तो 32 कोटि की आइडियोलॉजी है।